अब आ जाते हैं पार्ट फोर्टीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो कि है सर्विसेज़ अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स तो इसमें आर्टिकल तीन सौ आठ से तीन सौ चौदह तक है तो जैसे हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज से हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ जो हैं उनके लिए ये काम का है पार्ट पार्ट फोटीन तो इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्विसेज़ ऑल इंडिया सर्विसेज़ सेंट्रल सर्विसेज स्टेट सर्विसेज फिर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजन हैं आर्टिकल तीन सौ नौ दस ग्यारह तीन सौ बारह बस इतना सा है तो आ जाते हैं इस पर टाइप्स ऑफ सर्विसेज में जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं इंडिया में उनको तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है ऑल इंडिया सर्विस सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में आती हैं आई ए एस आई पी एस आई एफ एस ठीक है इट इंक्लूड्स द सर्विसेज जो कि कॉमन होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ये जो आई एस आई पी एस आई एफ एस होते हैं ये की पोजिशन को ऑक्यूपाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ठीक है जनरली क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है अपने अपने ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करती है लेकिन आई एस आई सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी ठीक है तो हाँ इनको ऑल इंडिया सर्विसेज वालों को आई एस आई को सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करती है लेकिन रिक्रूट करने के बाद इनको अलग अलग स्टेट्स में काम करने के लिए भेज दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट में उनकी सैलरी और पेंशन जो होती हैं वो स्टेट्स स्टेट्स देती हैं फिर ये जो ऑल इंडिया सर्विस वाले आई एस आई पी होते हैं ये अलग अलग स्टेट कैडर को बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं डेप्यूटेशन में बीच बीच में आफ्टर अ फिक्सड और फिर एक फिक्सड टेन्यूअर के बाद दे गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट इमीडिएट कंट्रोल जो होता है ऑल इंडिया सर्विसेज वालों पे स्टेट गवर्नमेंट का होता है लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है एक्जाम्पल कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वगैरह लेनी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ना कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल सर्विस की बात करें तो दे वर्क अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है टाइप्स uh, तो शुरू में क्लास वन टू थ्री फोर सर्विसेज बोला जाता था लेकिन 1974 में उनको रीनेम करके ग्रुप ए बी सी डी कर दिया गया जहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले गजटेड ऑफिसर्स होते हैं ग्रुप सी वाले क्लरिकल पर्सनल होते हैं ग्रुप डी वाले मैनुअल पर्सनल होते हैं ग्रुप बी में सिर्फ गजटेड नहीं होते हैं ग्रुप बी में नॉन गजटेड भी होते हैं और अभी शायद ग्रुप सी और ग्रुप डी को कंबाइन कर दिया गया है तो ग्रुप डी जैसा कुछ नहीं है जिन्हें पहले प्यून बोलते थे अब उन्हें एम मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं ठीक है तो सेंट्रल सर्विसेज मतलब ये जो है यू मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से रिक्रूटमेंट करती है इनका और अपने पास रखती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट करने के लिए इनको सारी सेंट्रल सर्विस में सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस है इंडियन फॉरन सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विस में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो लेकिन सेंट्रल सर्विसेज में सबसे प्रस्टीजियस सर्विस इंडियन फॉरेन सर्विसेज को माना जाता है स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं ये लोग स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अलग अलग और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्री में ये स्टेट सर्विसेज वाले लोअर पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं देन दो हेल्ड बाय ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स लेकिन जो सीनियर पोस्ट होते हैं उस पर नॉट मोर देन थर्टी इन आई एस आई पी आर फुल्ड बाई प्रमोशन ऑफ ऑफिसर्स फ्राम स्टेट सर्विस बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाई यू ठीक है एग्जाम्पल सी पी एफ एम सर्विसेज सिविल सर्विस पुलिस सर्विस फॉरेस्ट सर्विस मेडिकल सर्विस ठीक है तो समझ में आ गया स्टेट सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट में वो काम करते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं आई एस आई पी एस आई एफ एस ये बड़ी पोस्ट पर होते हैं और स्टेट सर्विसेज से आए लोग लोअर पोस्ट पर होते हैं लेकिन बाद में फिर ये होता है कि प्रमोशन जब होगा इनका जो स्टेट सर्विसेज से हैं तो थर्टी थ्री परसेंट ही प्रमोट होकर फुलफ़िल करेंगे ये उन पोस्ट को तो जैसे सौ लोग हैं सौ पोस्ट हैं किसी हायर पोजीशन पर तो उसमें से तैतीस चुनी जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को और बचे हुए प्रमोट होकर जो बनेंगे और बचे हुए फिर सेंट्रल वाले होंगे ठीक है और ये प्रमोट भी कैसे होंगे उसके लिए यू की रिकमेंडेशन लगेगी अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न तो तीन से लेकर तीन तक के आर्टिकल हैं जो कि पार्ट फोर्टीन में है तो आर्टिकल थ्री जीरो एट क्या बोलता है प्रोविजन ऑफ पार्ट फोर्टीन डू नॉट अप्लाई टू जे एंड के लेकिन अभी फिर जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया है तो अब सारे लॉज लगेंगे ठीक है तो अब ये अप्लाई होगा मेरे हिसाब से 308 आर्टिकल 309 है रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन के बारे में तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है मेथड ऑफ इंक्लूडिंग अ पर्सन इन पब्लिक सर्विस कि आप किस तरह से उसको पब्लिक सर्विस में ले रहे हो तो चार तरीके हैं पी प्रमोट करके कोई बंदा आ सकता है कोई बंदा डायरेक्टली अपॉइंट हो सकता है किसी पोस्ट पर कोई बंदा डेप्यूटेशन पर आ सकता है कोई बंदा सिलेक्शन से आ सकता है सर्विस कंडीशन का क्या मतलब होता है किसी एम्प्लॉय की उसमें आती हैं आठ चीज़ें पी ए एल टी टी आर डी दैट इज़ पे कितनी मिलेगी अलाउन्सेज क्या क्या हैं छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी टेन्योर कितना होगा ट्रांसफ़र क्या होगा रिटायरमेंट पे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लिया जा सकता है फिर आर्टिकल थ्री हंड्रेड टेन उसमें है टेन्योर ऑफ ऑफिस तो पब्लिक सर्विस सर्वेंट्स जो होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफ़िस को अंडर प्लेजर ऑफ़ प्रेसिडेंट दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ और जो स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ होता है दे होल्ड ऑफिस अंडर प्लेजर ऑफ़ गवर्नर फिर आर्टिकल थ्री हंड्रेड इलेवन जो है वो है सेफ गार्ड टू सिविल सर्वेंट्स यही सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्टिकल है इसी से गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है आर्टिकल थ्री हंड्रेड इलेवन कि आप किसी भी सिविल सर्वेंट को ना तो डिसमिस कर सकते हो ना तो रिमूव कर सकते हो विथाआउट एनी इंक्वायरी वेयर ही हैज़ बीन गिवन अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश हिज इनोसेंस प्लस डू क्रॉस एग्जामिनेशन टू डिफेंड हिमसेल्फ प्लस गिव हिम अ कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट मतलब ये है किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को जैसे प्राइवेट में है ना कि कल मन किया तो निकाल दिया वैसा नहीं कर सकते आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सिविल सर्वेंट को आपको निकालना है तो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी पहले बैठेगी इंक्वायरी ऑफिसर आएंगे प्रेजेंटिंग ऑफिसर आएंगे ठीक है फिर उस बंदे को पहले फिर इंक्वायरी रिपोर्ट दी जाएगी ठीक है कि इंक्वायरी में ये ये चीज़ें निकली हैं आपके अगेंस्ट ये ये चार्जेस हैं चार्जशीट वगैरह इशू होगी ठीक है सफिशेंट अपॉर्चुनिटी uh, दी जाएगी उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि वो अपनी इनोशन्स को इस्टैब्लिश कर सके क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके जिससे उस अपने आप को डिफेंड कर सके उसके बाद ही रिमूव किया जा सकता है ऐसे नहीं डिसमिस कर सकते फिर आर्टिकल 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए है कि पार्लियामेंट जो है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे दैट ऑल इंडिया सर्विस इस्टेब्लिश करनी नेसेसरी हो गई है इसमें राज्यसभा का क्या रोल है क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस वाले रिक्रूट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट में भी जाके काम करते हैं तो इसलिए राज्यसभा का अप्रूवल ज़रूरी है नोट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन द नेशनल इंटरेस्ट ये रिस्ट्रिक्शंस हैं मैंशनड हैं सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल्स में ठीक है तो नेशनल इंटरेस्ट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके कई फंडामेंटल राइट right पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट में वो सिविल सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल्स में मैंशनड होते हैं अब पार्ट फोर्टीन ए कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो ट्राइब्यूनल्स के ऊपर है तो फोटी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में जिसमें कि पार्ट फोटीन ए को ऐड किया गया इसमें आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री ए और थ्री ट्वेंटी थ्री बी दो हैं तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को और दूसरे मैटर्स के लिए जो ट्रिब्यूनल्स को बिठाया जाता है तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पार्टिक पार्लियामेंट जो है वो स्टैब्लिश कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट या फिर सर्विस कंडीशन ऑफ सेंटर स्टेट्स लोकल बॉडीज़ या फिर कॉरपोरेशन तो पार्लियामेंट ने क्या किया पास किया एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट को 1985 में जिससे कि कैट और एस दो को फॉर्म कर दिया दैट इज़ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ जाके अपनी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको जाके कैट कैट में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अब कैट की बात करते हैं कैट का कैट और सैट को कंपेयर कर लेते हैं इस्टैब्लिशमेंट जूरिस्डिक्शन मेंबर्स टर्म्स और अदर तो इस्टेब्लिशमेंट कैट जो है उसकी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में बैठती है और एडिशनल बेंच अलग अलग स्टेट्स में होती हैं तो सत्रह रेगुलर बेंचेज हैं इसकी एग्ज़ाम्पल कैट की एक बेंच लखनऊ में भी है सैट की बात करें तो सैट को इस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट 2016 में नाइन स्टेट्स में एस आई टी को सेटअप किया गया था एग्जांपल केरला कर्टनाटका एट्ट्रा जूरिस्डिक्शन की बात करें तो कैट जो है इट डील्स विद सर्विस मैटर ऑफ पब्लिक सर्वमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉ के सर्विस मैटर से डील करती है फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया सर्विसेज के आई एस आई पी एस आई एस वहाँ पे जाएंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज वाले जाएंगे जो मिनिस्ट्री वगैरह में पोस्टेड हैं एस आई टी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के जो भी सर्विस मैटर्स हैं उनसे डील करती है लखनऊ में है उसकी ब्रांच मेम्बर्स की बात करें तो कैट में एक चेयरमैन होता है प्लस पैंसठ मेम्बर्स होते हैं और इनका स्टेटस हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है ठीक है सेट में ऐसा कुछ है नहीं फिर टर्म की बात करते हैं तो टर्म में पाँच साल का टर्म होता है कैट का ठीक है जो चेयरमैन होते हैं पैंसठ साल तक और मेंबर्स जो हो सकते हैं पैंसठ साल तक हो सकते हैं दूसरी चीज़ों की बात की जाए तो पचास रुपए की फ़ी पे करनी होती है और एक लॉयर को यूज़ करना होता है कि आप कैट में केसेस को फाइ फाइट कर सकें एंड देन यू कैन अपील इन हाई कोर्ट ठीक है तो ये वही चीज़ हो गई पे फिफ्टी रुपी फ़ी एंड यूज़ अ लॉयर टू फाइट इन कैट एंड देन यू कैन अपील इन हाई कोर्ट तो वही है कि अगर आपको अपनी सीनियरिटी से रिलेटेड केस को फ़ाइट करना है तो आप कैट जा सकते हो फिर सेट में देखें अदर्स में जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर मोर देन इक्वल टू टू स्टेट्स मतलब एस में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऐसे हो सकती है कि हर एक स्टेट की अलग अलग भी हो लेकिन दो तीन स्टेट की साथ में मिला एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी बन सकती है तो ये तो हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो भी सर्विस मैटर्स हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट्स प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कैट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए सैट को बना दिया है इसके अलावा दूसरे मैटर्स के लिए भी ट्राइब्यूनल्स बनती हैं अंडर आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री बी ठीक है तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन इस्टेबलिश ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू तो टैक्सेशन रेंट टेनेंसी राइट्स लैंड रिफॉर्म्स फॉरन एक्सचेंज तो ये सब तो आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री ए और थ्री ट्वेंटी थ्री के बीच में आ, डिफरेंस क्या है तो आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री ए के अंदर आप ट्राइब्यूनल्स बनाते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए और जो थ्री ट्वेंटी थ्री बी है उसमें आप ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर सकते हो दूसरे मैटर्स के लिए थ्री ट्वेंटी थ्री ए के अंडर जो आप कैट और सैट बना रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है लेकिन थ्री ट्वेंटी थ्री बी के अंडर जो ट्राइब्यूनल्स बनानी है अदर मैटर्स पर उसको पार्लियामेंट भी बना सकता है स्टेट लेजस्लेचर्स भी बना सकते हैं ठीक है ठीके? अब आ जाते हैं पार्ट फिफ्टीन के ऊपर दैट इज़ इलेक्शन तो इलेक्शन में आर्टिकल तीन सौ चौबीस से तीन सौ उनतीस तक है तो उसको देख लेते हैं एक बार फिर उसके बाद देख लेंगे कि इलेक्शन मशीनरी कैसे काम करती है इलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करती है वोटिंग बिहेवियर इलेक्शन के लॉ और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंटी डिफेक्शन लॉ तो इलेक्शन एक ठीक ठाक टॉपिक है ठीक है तो सबसे पहले आ जाते हैं आर्टिकल के ऊपर तो अंडर आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर से थ्री ट्वेंटी नाइन तक इलेक्शन से डील करता है इसमें क्या है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए टू तो इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट दूसरी चीज़ कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगी सिर्फ़ एक जनरल इलेक्टोरल रोल बनेगा इलेक्शन के लिए ऐसा नहीं होगा कि एस्सीज अस्सीज़ को इलेक्ट करेंगे सारे लोग ही मिलकर इलेक्ट करेंगे कैन नॉट इंक्लूड अ पर्सन इन roll रोल ओनली बेस्ड ऑन रेस रिलीजन एट्सेट्रा इलेक्शन बेस्ड ऑन एडल्ट एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए दैट इज़ एज अट्ठारह साल से या अठारह साल से ज़्यादा होनी चाहिए पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ़ पार्लियामेंट एंड स्टेट लजस्लेचर एग्जाम्पल एलेक्टोरल रोल्स डीलिनीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इनसे रिलेटेड प्रोविज़न पार्लियामेंट बनाएगा स्टेट लजस्लेचर प्रोविजन बनाएगा रिलेटेड टू इलेक्शन इन स्टेट लजस्लेचर फिर डीलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है फॉर डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इसको आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते एलेक्शन पटिशन उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप टू क्वेश्चन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लजिसचर फिर अब आ जाते हैं इलेक्शन मशीनरी के ऊपर तो इलेक्शन मशीनरी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ पावर्स ऑफ सुपर डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन टू लोकसभा एंड ले स्टेट लेजिस्टिव असेंबली ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन के टाइम पे सुपर पावरफुल हो जाती है वो सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है सुपरटेंड करती है डायरेक्शन देती है ऑर्डर पास करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेजिगनेट करती है एक बंदे को एज चीफ़ इलेक्शन ऑफिसर जो कि सुपरवाइज़ करेगा इलेक्शन वर्क को स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ में फिर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होगा ठीक है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा डेजिगनेट किया जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है इलेक्शन वर्क को सुपरवाइज करेगा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक रिटर्निंग ऑफिसर को डेजिग्नेट करेगी जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेगा कि इलेक्शन हो रहे कैसे का हो रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इलेक्टोरल रोल बनाएगा उस कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए फिर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है वो अपॉइंट करेगा एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक पोलिंग ऑफिसर को जो कि एक पोलिंग स्टेशन पर पोल कंडक्ट करेगा विथ असिस्टेंस ऑफ पोलिंग ऑफिसर फिर ऑब्ज़रवरस होंगे इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेगी ऑब्जर्वर फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो जनरल ऑब्जर्वर होगा वो देखेगा कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर वो ये देखेगा कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर हर एक कैंडिडेट पर कितना हो रहा है जो पुलिस ऑब्जर्वर है आई ऑफिसर वो मॉनिटर करेगा लॉ एंड ऑर्डर जो अवेयरनेस ऑब्जर्वर है वो काम करेगा फॉर वोटर अवेयरनेस प्लस चेक करेगा पेड एक्सेस को तो इस तरह से इलेक्शन मशीनरी में आप देख रहे हो सबसे ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पूरा ओवरऑल लोकसभा और स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली को देखेगा और उसके बाद फिर वो इलेक्शन कमीशन इंडिया में चीफ इलेक्शन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट यूटी के लेवल पे फिर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं उसको देखेगा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर फिर एक डिस्ट्रिक्ट में ढेर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेगा रिटर्निंग ऑफिसर की इलेक्शन कैसे हो रहे हैं फिर आ, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बनाया जाएगा फिर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहाँ पोलिंग स्टेशन है ठीक है वहाँ पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बिठाया जाएगा प्लस ऑब्ज़रवर्स को बिठाया जा रहेगा कि ढंग से इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है कोई कैंडिडेट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है अपनी लिमिट से ज़्यादा ठीक है फिर लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए पुलिस ऑब्जर्वर हो जाएंगे ठीक है वोटर में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अवेयरनेस ऑब्जर्वर हो जाएंगे तो इस तरह से इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स को मांगती है अलग अलग डिपार्टमेंट से ठीक है टू कंडक्ट इलेक्शंस अच्छा अब आ जाते हैं इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर तो उसमें दस स्टेप्स हैं टाइम क्या होना चाहिए इलेक्शन का शेड्यूल ओथ इलेक्शन कैंपेन पोलिंग का दिन बैलेट पेपर्स और सिंबल्स वोटिंग का प्रोसीजर वोट को काउंटिंग मीडिया कवरेज इलेक्शन पटिशन तो टाइम ऑफ इलेक्शन क्या है कि हर पाँच साल में लोकसभा और स्टेट लजस्लेटिव असेंबली के अलेक्शनस होते हैं शेड्यूल इलेक्शन का अगर हम बात करें तो इसमें आठ चीज़ें हैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन का शेड्यूल निकालेगी कि कब कब होगा फिर नोटिफिकेशन होगा जिसमें कि इलेक्टोरेट को बुलाया जाएगा टू इलेक्ट मेंबर ऑफ हाउसेस तीसरी चीज़ फिर नॉमिनेशन फ़ाइल की जाएगी कैंडिडेट के द्वारा चौथी चीज़ इन नॉमिनेशन को स्क्रूटिनाइज़ किया जाएगा आर के द्वारा आर यानी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ही क्या करता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूवेंसी में देखता है कि कैसे इलेक्शन को कंडक्ट कराने ठीक है।, है फिर उसके बाद कैंपेन चलेगी दो वीक तक फिर पोलिंग होती है कई दिनों तक फिर इलेक्टेड मेंबर्स की लिस्ट को रिलीज़ किया जाता है फिर ओथ और अफर्मेशन जो कैंडिडेट हैं वो ओथ लेते हैं किसके सामने रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आफ्टर प्रेजेंटिंग हिज नामिनेशन पेपर्स तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कैंडिडेट जाएगा पहले अपने पेपर डालेगा ठीक है नॉमिनेशन पेपर और फिर उनके सामने शपथ ग्रहण करेगा फिर इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर कैंडिडेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएट पीपल टू वोट फॉर देम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाएगा टू मेंटेन हेल्दी कैंपेन फिर उसके बाद पोलिंग डेज पे पोलिंग की जाएगी अलग अलग दिन पे इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी टू इनेबल सिक्योरिटी फोर्सेस प्लस और ऑब्जर्वर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर प्लस फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्योंकि 140 करोड़ पीपल हैं जो वोट देने वाले हैं ठीक है फिर बैलेट पेपर और सिम्बल्स की बात किया जाए तो बैलेट पेपर को परमिट किया जाता है विथ नेम्स ऑफ कैंडिडेट और सिम्बल अलॉट कर दिया जाता है हर एक कैंडिडेट को वोटिंग प्रोसीजर की बात किया जाए तो स्कूल्स और कम्युनिटी हॉल्स जो हैं उनको पोलिंग स्टेशन के रूप में सेटअप किया जाता है इलेक्टर चेकड अगेंस्ट इलेक्टोरल रोल और फिर ई रिकॉर्ड करती है वोट हर एक इलेक्टर का फिर उसके बाद वोट की काउंटिंग शुरू होती है वोट्स आर काउंटेड अंडर सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाई इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर करता है कि कौन होगा विनर कैंडिडेट जिसके पास मैक्सिमम वोट्स होंगे मीडिया कवरेज की बात की जाए तो ब्रिंग टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी बाई कवरिंग पोल प्रोसेस काउंटिंग हॉल्स ड्यूरिंग एक्चुअल काउंटिंग फिर मीडिया कवरेज की बात किया जाए तो टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी बाई कवरिंग पोल प्रोसेस काउंटिंग हॉल्स ड्यूरिंग एक्चुअल काउंटिंग इलेक्शन पटिशन की बात किया जाए तो एक कोई इलेक्टर या कैंडिडेट कैन फाइल इलेक्शन पटिशन इफ़ ही थिंग्स की देर हैज़ बीन माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शन जो इलेक्शन पटिशन होती है वो सीधे सीधे हाई कोर्ट पर जाती है अब वोटिंग वोटिंग बिहेवियर की बात करते हैं तो इसमें डेफिनीशन ज़रूरत क्या है फिर प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है डेफिनीशन वोटिंग बिहेवियर इट रेफर्स टू वे इन विच पीपल टेन टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस और रीजंस की वो वैसा वोट क्यों कर रहे हैं सिग्निफिकेंस क्या है इसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रोसेस कैसी है डेमोक्रेसी के इंटरनाइजेशन की कैसी है कि लोग लोगों का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे हो रहा है लोगों में डेमोक्रेसी कितनी इंटरनालाइज हुई है ये सब समझ सकते हो आप तो वोटिंग बिहेवियर इंडिया में किस चीज़ पर बेस्ड होता है सी आर एल कास्ट के बेसिस पे रिलीजन के बेसिस पे लैंग्वेज के बेसिस पे पॉलिटिसाइजेशन होता है कास्ट का प्लस कास्टिसिज्म इन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉयट करती हैं कास्ट और रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो लोगों के हैं उनको फिर आर पी एम दैट इज़ रीजन पर्सनैलिटी मनी रीजन लीड्स टू रीजनल पार्टीज कैरिजमेटिक लीडर इज़ इंपॉर्टेंट इन इलेक्शन डिस्पाइट लिमिटेशन ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर करोड्स ऑफ रुपीज़ आर स्पेंट इन इलेक्शन फिर पी पी आई परफॉर्मेंस ऑफ रूलिंग पार्टी पार्टी आइडेंटिफिकेशन और आइडियालॉजी पीपल हु आइडेंटिफाई दमसेल्स विद अ सर्टन पार्टी विल वोट फॉर इट इर रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रोज एंड कॉन्स दूसरे फैक्टर्स जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं प्रिसीडिंग द इलेक्शन एग्जाम्पल किसी लीडर का मर्डर वगैरह हो गया ये सारी चीज़ें लोगों के वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं सॉल्यूशन इसमें क्या है रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शन एंड वोटिंग बिहेवियर तो इसमें पांच चीज़ें आई सी वी आर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन मीडिया इन्फॉर्मेशन देती है वोटर्स को अबाउट अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन नॉमिनेशन स्क्रूटनी कैंपेन पोलिंग और काउंटिंग और रिजल्ट फिर इन्फोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड अदर लॉज जो कैंडिडेट्स और पार्टीज होती हैं वो मिस कर सकती हैं वो मसल का यूज़ कर सकती हैं मनी पावर का यूज़ कर सकती हैं इसलिए मीडिया को इसको हाईलाइट करना होता है इलेक्शन लॉज का कंप्लाइंस ठीक है प्रोहिबिट्स कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल प्रॉफिट्स इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट विदाउट अथॉरिटी ऑफ कैंडिडेट फिर वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन हेल्प्स बिल्ड एन एनवायरनमेंट वेयर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी आर अंडरस्टुड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट मीडिया प्रसार भारती पी आई बी डी ए वी पी नेशनल फिल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्सेट्रा शुड स्प्रेड वोटर अवेयरनेस फिर इलेक्शन से रिलेटेड लॉज एक्ट्स रूल्स एंड ऑर्डर तो पाँच लॉज हैं इलेक्शन से रिलेटेड आर पी ए नाइनटीन फिफ्टी आर पी ए नाइनटीन फिफ्टी वन डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, थाउजेंड टू पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसकॉलीफिकेशन एक्ट ऑफ 1959, फिफ्टी नाइन एस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये पाँच हैं उसके अलावा दो रूल्स और दो ऑर्डर्स भी हैं दो रूल्स कौन से हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ऑर्डरस कौन से हैं दो इलेक्शन सिम्बल रिजर्वेशन एंड अलाटमेंट ऑर्डर ऑफ नाइनटीन और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फर्निश एडिशनल पर्टिकुलर ऑफ तो इलेक्शन लॉज से रिलेटेड पांच एक्ट देख लेते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 इसमें अंडर आर्टिकल 81 एंड 170 सेवनटी मैक्मम नंबर ऑफ सीट्स अंडर सेक्शन 81 एंड 170 सेवनटी मैक्ममम नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली मैंशनड है और अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन वन मिनिमम या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन स्टेट काउंसिल काउंसिलशन है प्रेजिडेंट डीलिमिट करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को बेस्ड ऑन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस रजिस्ट्रेशन ऑफ अलेक्टर्स फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर पार्लियामेंट स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली और काउंसिल फिर रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी वन इट वॉज इलेक्टेड टू मेक रेस्ट ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन एलेक्शन से रिलेटेड दूसरे प्रोविज़न के लिए फॉर एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन और डिसकॉलीफिकेशन कैसे होगा एम पी और एम एल ए वगैरह का नोटिफिकेशन जनरल इलेक्शन का पोलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करप्ट प्रैक्टिस और इलेक्टोरल ऑफेंसिस क्या होंगे ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मैंशनड है तो जो आर पी है उसमें मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्टिव असेंबली में क्या होंगी वो सब है। इलेक्ट्रल्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह और इसको छोड़ के जो बचे हुए प्रोविजंस हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड वो आर पी में मैंशनड है फिर डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ टू अंडर सेक्शन एटी एंड वन स्टेट टू बी डिवाइडेड फॉर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट काउंसिल फिर पार्लियामेंट में प्रवेंशन ऑफ डिसक्वालीफिकेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन इसमें क्या है सर्टन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट डिसक्वालीफाई द होल्डर्स फ्राम बींग चूजन एज एम एस सी एन एस टी ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन फ्राम एस सी एस टी फॉर री एडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिर रिफॉर्म्स तो कई कमेटी बनी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए चौदह कमेटी हैं जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाले इशू को एग्जामिन कर चुकी हैं अभी तक एग्जाम्पल 2015 में लॉ कमीशन आया था जिसने कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर रिपोर्ट दी थी अब 1976 के पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन से थे छः दिल भी दैट इज़ लोवरिंग ऑफ वोटिंग एज फ्राम ट्वेंटी वन टू एटीन ईयर्स फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन फिर डेप्यूटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन एम्प्लॉयज़ इंगेज इन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ प्रपोजर्स टू प्रिवेंट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग फिर ई वी एम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर यूज सिंस नाइनटीन नाइनटी एट नाइन्टी नाइन बूथ कैप्चरिंग डेफिनेशन क्या है सीजर ऑफ पोलिंग स्टेशन या फिर प्लेस ऑफ काउंटिंग पोल्स आर एड इन केस ऑफ बूथ कैप्चरिंग फिर ई पी आई सी दैट इज़ इलेक्टोरल्स फोटो आई डी कार्ड आर इशूड टू इलेक्टर्स टू चेक बोगस वोटिंग इलेक्टोरल रोल इज रिवाइज्ड एवरी ईयर ई पी आई सी इज कंटिन्यूस प्रोसेस फिर 1996 में कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए नो एल डी पी एन डी टी सी पी की लिस्टिंग ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट फिर डिसकॉलीफिकेशन फॉर इंसल्टिंग नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 कोई नेशनल फ्लैग या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इंसल्ट करेगा तो डिसक्लीफाई कर देंगे उसको प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ शराब वगैरह अदरवाइज़ छः महीने की जेल दो हज़ार रुपये फ़ाइन नंबर ऑफ प्रपोजर वन और टेन रजिस्टर्ड इलेक्टर्स टू प्रपोज नेम ऑफ कैंडिडेट इन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी फिर डेथ ऑफ अ कैंडिडेट अगर हो जाए तो पार्टी में प्रपोज नेम ऑफ अदर कैंडिडेट टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शन बाई इलेक्शन का मतलब होता है स्पेशल इलेक्शन दैट इज़ हेल्ड बिटवीन रेगुलर इलेक्शन टू रिप्लेस सम वन हु डाइड बाई इलेक्शन का मतलब क्या है एक स्पेशल इलेक्शन होता है मतलब जनरली तो इलेक्शन होता है पाँच साल के लिए लेकिन लेट्स अज्यूम किसी लीडर की बीच में ही मृत्यु हो जाती है तो रेगुलर इलेक्शन के बजाय अब तुरंत इलेक्शन बीच में एक करवाना पड़ जाएगा तो उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं दैट इज़ स्पेशल इलेक्शन जिसको कि आप रेगुलर इलेक्शन के बीच में करवाते हो जिससे कि उसको रिप्लेस कर सको जिसकी कि मृत्यु हो गई है फिर कंटेस्टेंट्स रिस्ट्रिक्टेड टू टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज की दो ही कॉन्स्टिट्युएंसीज से आप लड़ सकते हो प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स की वेपन्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड उसको डिक्रीज़ कर दिया गया फिर आ जाते हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जो कि 1996 के बाद आए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्शन ड्यूटी के लिए स्टाफ कहाँ से आएगा पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग प्रॉक्सी के थ्रू वोटिंग फिर डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसेंडेंट्स असेट्स अपने असेट्स वगैरह और अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री को डिक्लेयर करना फिर राज्यसभा के इलेक्शन में क्या चेंजेस हुए ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर में एक्जम्पन इलेक्टोरल रूल्स की फ्री सप्लाई पार्टीज एंड टू एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एलोकेशन ऑफ टाइम ऑन इलेक्टोरल मीडिया ब्रेल्स साइनेज फीचर ई वी एम पर लाए गए उसके बारे में फिर एलेक्टोरल रिफॉर्म्स दो हज़ार दस से जो आए हैं एग्जिट पोल पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है डिसकॉलीफिकेशन केस सबमिशन की टाइम लिमिट क्या है ऑफिशियल्स जो कि करप्ट प्रटिसज में इंक्लूडेड हैं फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ाए जाने के ऊपर फिर अपीलित अथॉरिटी विद इन डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल रोल्स फिर नोटा ऑप्शन ठीक है नन ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया वी वी पैट को इंट्रोड्यूस किया गया पर्सन इन जेल या फिर पुलिस कस्टडी वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है इमीडिएट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एम पीज़ एम सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर उसको बढ़ा दिया गया है फोटो ऑफ कैंडिडेट ऑन ई एंड बैलेट पेपर्स तो ऐसे बहुत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं फिर आएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर इसमें इंट्रोडक्शन क्या है इस एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं ये एक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ और नाइन्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो एंटी डिफेक्शन लॉ फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था नाइन्टीन एटी फाइव में जिसने बोला कि डिसक्वालीफिकेशन ऑफ मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर ऑन ग्राउंड्स ऑफ़ डिफेक्शन फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर इट एडेड टेंथ शेड्यूल फिर नाइन्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया टू थाउजेंड थ्री में जिसने कि डिसक्फिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन डू नॉट अप्लाई इन केस ऑफ स्प्लिट अगर पार्टी स्प्लिट हो गई तो डिफेक्शन के बेसिस पे डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगा वो वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे अब एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन क्या है टेंथ शेड्यूल के अंदर कुछ प्रोविजन्स मैंशन हैं फॉर एग्जाम्पल डिसक्वालिफिकेशन फ्राम बींग मेम्बर ऑफ हाउस मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ विल भी डिसक्वालिफाइड इफ़ ही लीव्स पार्टी और ही वोट्स अगेंस्ट डायरेक्शन इशूड बाई हिज पार्टी फिर इंडिपेंडेंट मेम्बर्स विल भी डिस्कवालिफाइड इफ़ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि इंडिपेंडेंट मेम्बर्स गेट इलेक्टेड विदाउट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर सिक्स मंथ्स ऑफ हिज नॉमिनेशन एक्सेप्शन क्या है अगर पार्टी मर हो जाए किसी दूसरी पार्टी के साथ या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है हाउस का कैन गिव अप हिज पार्टी मेंबरशिप फॉर बींग इम्पारशियल जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है फॉर एग्जाम्पल प्रिसाइडिंग ऑफिसर बट हिज डिसीजन इज सब्जेक्टेड टू ज्यूडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड एंड परवरसिटी रूल मेकिंग पावर इज़ विद प्रिसाइडिंग ऑफिसर बट हाउस में मोडिफाइड एम प्रिसाइडिंग ऑफिसर टेक्स डिसक्वालीफिकेशन केस व्हेन ही रिसीव्स अ कम्प्लेन फ्रॉम हाउस मेंबर फिर इस एक्ट को इवाल्यूएट किया गया है कि टेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है इज़ मेड टू प्रीवेंट मिस चीफ ऑफ डिफेक्शन मोटिवेटेड बाई लेर ऑफ ऑफिस एंड मटीरियल बेनिफिट्स क्या है कि आया राम गया राम की जो है कि खरीद जो होती है हॉर्स रेडिंग जो होती है एम पीज़ की कि उन्हें बड़ा पद मिल जाएगा इंपॉर्टेंट पोस्ट uh, मिल जाएगी मिनिस्ट्री दे दी जाएगी और पैसे वगैरह के लालच में तो उसको डिस्करेज करने के लिए टेंथ शेड्यूल आया गया एडवांटेज क्या है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी इसकी वजह से प्लस करप्शन घटेगा अदरवाइज़ पार्टी में से अगर भागते रहेंगे एम पी तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना कब सरकार गिर जाएगी पता नहीं तो पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आएगी प्लस करप्शन कम होगा क्रिटिसिज्म इसका ये किया जाता है कि सैंक्शन गिवन टू पार्टी बॉसिज्म इन द नेम ऑफ पार्टी डिसिप्लिन कि जैसा पार्टी बोलेगी वैसा ही आपको करना होगा ठीक है इट बैंड रिटेल डिफेक्शन एंड लीगलाइज होल सेल डिफेक्शन कि एक एक करके डिफेक्ट करना नहीं उसको बैन कर दिया गया है लेकिन अगर बहुत ढेर सारे एम पी एक बार ही डिफेक्शन करें तो उसको लीगल माना गया है लेकिन एक एक करके नहीं जा सकते पूरे ग्रुप में जा सकते हो फिर नाइन्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया टू थाउजेंड थ्री का रीज़न क्या था टू स्ट्रेंथ एन एंटी डिफेक्शन लॉ सेकेंड कमिटी ने सजेस्ट किया टू एंड एग्जैम्पन डिसक्वालीफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट स्प्लिट हो जाए तो फिर डिस्कवालीफिकेशन से हैं प्रोविजन क्या है नाइन्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर वो पंद्रह परसेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा या लेजस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मिनिमम बारह मिनिस्टर होंगे इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन स्टेट फिर दूसरी चीज़ क्या है डिलीटिंग प्रोविजन दैट गेव एग्जैम्पन फ्राम डिस्कवालीफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट ठीक है